या हम लोग ये कॉमिक नेगेटिव है, बहुत फन कैरेक्टर है इसमें, इतना प्ले है और इतनी मस्ती आती है करने में, और मेरे सारे सीन्स बैंडी और भाई साहब के साथ है तो बड़े मज़े आते हैं करने में. एंड हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हायरार्की से मतलब टॉप से सब लोग इतने प्यारे हैं, एक्टर्स, प्रोडक्शन डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो वी आर इन अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट, बहुत मज़े आते हैं, सब लोग घुल मिल गए हैं, मस्ती मजाक, सीन्स में भी हम लोग हंस देते हैं कई बार, बड़ी मस्ती करते हैं हम सेट पर, सो वी हैव ग्रेट फन. आज अगर सीन की बात करें, आप काफ़ी मतलब चढ़ा रही थी बड़े भाई साहब को. हाँ, तो बीबी, आई कॉल हिम बीबी. तो वो मतलब क्या था, किस बात के लिए बोल रहे थे आप? तो मेरा पूरा लॉजिक ये है कि बहुत लॉजिक है एक्चुअली इस स्टोरी में कि, और इस कैरेक्टर के लिए कि शी इज़ नॉट नेगेटिव एक्चुअली, वो अपना ड्यू मांग रही है. तो उसका बेटा जिसने 10 साल इस कंपनी को दिए हैं, वो चाहती है कि उसे ये सब मिले, क्योंकि श्रवण तो यहाँ था नहीं. तो वो जब देखती है कि आज जब देने की बारी आई है या ड्यू मतलब मिलने की बारी आई है, तो सब कुछ श्रवण को जा रहा है. तो एज अ मदर, कोई भी माँ को बुरा लगेगा कि मेरा बेटा कम है किसी से, श्रवण होगा अपने इसमें. इट्स नॉट दैट वो श्रवण को हेट करती है, श्रवण से भी प्यार करती है, श्रवण को दुख हो तो उसे दुख होता है. सो दिस कैरेक्टर इज गॉट सो मच, इतना रियल है ये कैरेक्टर, तो मुझे प्ले करने में इतना मज़ा आता है, क्योंकि मुझे सिर्फ और इनकी लिखाई इसे बोलते हैं ना, इतनी प्यारी है कि मुझे लाइनें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार आप पढ़ लो, इतना रियल है कि वो वैसे ही निकलता है मुँह से. सो एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक इसीलिए सबको पसंद आ रहा है और मुझे भी करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सीन पढ़ो और सीन समझो तो लाइनें वही निकलेंगी जो लिखी होती है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. कहा जाए तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, मज़े लेके करते हैं. स्ट्रेस की, रेंज की या किसी चीज़ की स्ट्रेस, यहाँ पैर रखते ही गायब, क्योंकि दिस इज होम, सेकेंड होम. मैं हम लोग वेट करते हैं, अगर 2-3 दिन हमने शूट नहीं किया तो हम फोन करते हैं, क्या हो रहा है, बुला क्यों नहीं रहे हो, क्या हो रहा है, कौन से सीन्स चल रहे हैं, बुलाओ यार, ऐसे हम लोग करते हैं. वी हैव सो मच फन यार. हम ऐसे, अभी मुझे आधे घंटे का ब्रेक है, पता नहीं आगे के सीन होंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करिए, आप चले जाइए, फिर अगर बुलाना होगा. मैंने कहा नहीं, मैं आधा घंटे यहाँ आराम से बैठूंगी, नो प्रॉब्लम, आप मुझे आराम से बताइए, स्ट्रेस मत लीजिए, ना वो ले ना हम ले. मानसून अभी आ चुका है, तो आपने कितना एंजॉय किया इस मानसून में? टाइम ही नहीं मिल रहा है एंजॉय करने का, बट देख के बड़ा बड़ी खुशी हो रही है कि पानी बरस रहा है. एंड वी हैव वाटर, क्योंकि पानी का शॉर्टेज बहुत ये था, इट वॉज अ डेंजर जोन, तो ओके, हमें पानी की सख्त ज़रूरत है. और मैं पानी इतना सेव करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती. तो इवन जब सुबह उठते से ब्रश करना होता है, मेरा एक हाथ नल पर होता है, ये नल खुलता है, ये जितना जितना पानी चाहिए होता है मैं उतना यूज़ करती हूँ बंद, एंड फिर आई गागल. तो मैं इतनी कॉन्शियस हूँ पानी को लेकर. दैट्स आई थिंक, अगर हम थोड़ा थोड़ा सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और पानी बचाएं, तो हमें ये दिक्कत वापस होगी नहीं. खाने की बात करें तो मानसून में क्या लेना पसंद करेंगे? बड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, भजिया भी, चाट, पानीपुरी मेरा फेवरेट, बस ये सारी इंडियन चीज़ें, नो पिज्जा एंड नो. अगर आज आपकी लुक की बात करें, तो आपने आज रेड साड़ी बियर्ड्स की है, तो ज़रा लुक के बारे में बताइए. लुक के बारे में, रेड मेरा फेवरेट कलर है, रेड एंड ब्लैक. तो जब भी ये मुझे क्रीम येलो मुझे ओके लगता है, लोग कहते हैं अच्छा लगता है, बट मुझे पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ येलो. तो जब भी मुझे हम अटक जाते हैं ना कि कौन सी साड़ी, मतलब मैं कहूँगी नहीं ये प्लीज़ ये नहीं या वो नहीं, नहीं तो प्लीज़ रेड साड़ी दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी रेड साड़ी दे दो, आई बी वेरी हैप्पी, रेड इज़ माई फेवरेट कलर. कितना अच्छा लगता है कि इंडियन कल्चर को आप लोग को दिखाने को मिलता है साड़ीज वगैरह वेयर करके. हाँ, बहुत अच्छा. हम पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं रह सकते, दैट इज़ अ फैक्ट. आजकल तो वो ज़माना ही निकल गया. पहले के ज़माने में लोग साड़ियाँ पहनते भी थे, आजकल तो यंगस्टर्स तो भूल ही जाओ, इवन ओल्डर जनरेशन, बिकॉज दिक्कत होती है साड़ी पहनने में. मौसम ऐसा बदल गया है कि साड़ी में यू नो अनकम्फर्ट. लेकिन हमारी 50-70% जनता आज भी विमेन साड़ियाँ ही पहनती हैं. तो या रियल लाइफ में आप मुझे देखेंगे तो पहचानेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे बाल ऐसे हैं नहीं. मैं साड़ी पहनती, मैं तो सलवार कमीज भी नहीं पहनती मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ और कैग्स पहनती हूँ, और मेरे बाल इतने हैं. तो कभी हम रियल लाइफ में मिलेंगे तो आई होप आप मुझे पहचान लो.
ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग EDKV. प्लीज इसे और TRP चाहिए और हम जानते हैं कि आपको पसंद आ रहा है और आप देखते हैं, लेकिन और लोग इसे देखें, पसंद करिए और हमारे लिए वोट करिए जब भी मौका मिलेगा, जब भी कोई चांस मिलेगा, ताकि हम आपको और एंटरटेन कर पाएं और आप हमारी तरह एंजॉय करें. थैंक यू. थैंक यू. बाय.